दोस्तों इस तरह से देखेंगे यहाँ पे पूरा चारों तरफ से फूड स्टाल ही स्टाल मिलेंगे भाई साहब। इस नाले के अगल बगल यहाँ पे भी देखिए पानी पूरी वाला। बाकी भाई अभी यहाँ पे पूरा भयंकर वाला सीन है, देख रहे हैं कितना खतरनाक रोड हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी फिलहाल दोस्तों मैं हूँ वसई में। वसई का एक ये एरिया है, काफ़ी VIP, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। फिलहाल दोस्तों मैं अभी ये वसई का एरिया एक्सप्लोर करते हुए चलने वाला हूँ नाला सुपारा में। वहाँ पर दोस्तों आपको ना आज मैं स्पेशली जो मेरा आज इस वीडियो का मकसद होगा, वहाँ के गलियों में, मतलब बोले तो दोस्तों अंधेरी गलियों में, आज मैं वहाँ पे करने वाला हूँ एक छोटा सा फूड टूर। मतलब बोले दोस्तों ना, वहाँ पे जो हम जैसे भाई लोग रहते हैं वो किस तरह से खाना वगैरह खाते नहीं यार, मतलब अब बड़ा पाव, समोसा पाव, जो भी है वो सारी चीज़ें दोस्तों फिलहाल मैं अभी आपको इस वीडियोज़ में दिखाऊँगा। बाकी फिलहाल दोस्तों अभी इधर का कुछ इस तरह से माहौल है वसई का। ये दोस्तों पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ से धूल गर्दे ही आपको दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे गाड़ियों का आदान प्रदान होता रहता है और उसी के हिसाब से यहाँ पे पब्लिक भी बहुत है। बाकी इस तरह से दोस्तों आपको छोटे छोटे इंडस्ट्रियल स्टेट दिखाई देंगे, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, जहाँ पे हम जैसे गरीब वगैरह काम करते हैं। इससे नहीं, मोस्टली दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस किया, UP एंड बिहार के बहुत सारे लोग दोस्तों इस एरिए में काम वगैरह करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम जिस जगह पे हैं, ये पूरी वसई का ही एरिया, लेकिन ये दोस्तों ये पूरा जो एरिया बसा हुआ है ये पूरा वसई के पहाड़ों पे बसा हुआ है। और फिलहाल दोस्तों मैं इसी तरह से होते हुए आगे की तरफ जा रहा हूँ नाला सुपारा। करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन कोई मैटर नहीं करता, बस दोस्तों अपने मकसद को अचीव करूँ यार कि आज मैं वहाँ पे फूड टूर कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे है ना शाम काफ़ी हो चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी बहुत सारी छोटी छोटी झुग्गियाँ वगैरह हैं। तो मैं वसई के अभी जिस एरिया में घूमते घूमते पहुँच गया हूँ, इधर देखेंगे भाई साहब चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं और इधर दोस्तों पहाड़ों पर घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों काफ़ी ऊँचा है, वहाँ पर पूरा घर वगैरह बने हैं। और फिलहाल दोस्तों इसी रास्ते से होते हुए जा रहा था, मैं कहा क्यों ना आपको दिखा देता हूँ। और बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको छोटे छोटे इस तरह से इंडस्ट्री दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ मेटलर्जी का काम हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ मेटलर्जी के काम हो रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे पूरा किनारे किनारे से ऐसे छोटे छोटे ये पूरे गाले वगैरह दिखाई देंगे, जहाँ पे मतलब छोटा छोटा लोग अपना काम ढाल के बैठे हुए हैं, अपना छोटा छोटा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ये एरिया काफ़ी मतलब बढ़िया है, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग दोस्तों काम वगैरह भी करते हैं। लेकिन जितना अच्छा ये इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे जितना ज़्यादा काम है यार, उससे जो रोडों की कंडीशन है वो एकदम घटिया वाली है। फिलहाल दोस्तों अभी तो यहाँ पे आपको कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। बाकी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया है, जो कि अपने पापा के साथ किस तरह से गाड़ी को खिंचवाते हुए जा रही है, ठेला को, ठेला ही कहते हैं ना इसको मेरे हिसाब से। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी घूमते हुए जा रहा था यार, यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे दुकान वगैरह भी आपको मिलेंगे रोडों पे, मस्त पानी पूरी ट्राई कर सकते हैं। अभी भैया ने मुझे 10 रुपये का 6 पानी पूरी दिया है, जिसमें दोस्तों 4 इस तरह से पानी भरेला रहेगा और बाकी 1 सूखा रहेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से छोटा सा दुकान। बाकी चारों तरफ से दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया। अभी मैं वसई से जा ही रहा था, मैंने कहा ट्राई करता हूँ यार कुछ पानी पूरी वगैरह। वाकई यार पानी पूरी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। भैया क्या क्या मिला है इसके अंदर, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? अरे बहुत सामान है, बहुत सारे सामान है ना, लेकिन बड़ा स्पाइसी है, तीखा है, थोड़ा मीठी चटनी है क्या? थोड़ा मीठी चटनी भी मिल जाइए यार, काफ़ी तीखा है यार, अपने से खाया नहीं जा रहा है, लड़कियों को खूब पसंद आएगा भाई, अभी मीठी चटनी डलवा रहा हूँ, क्योंकि तीखा थोड़ा ना अपने को कम पसंद है। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से आप जब नाला सुपारा में एक घूमते रहेंगे, इस तरह से दोस्तों आपको गलियों में ना छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसा कि अभी दोस्तों आपने देखा मैंने पानी पूरी ट्राई किया, 10 रुपये का 6 पानी पूरी था भाई साहब, पर ठीक था यार। बाकी यार अभी मैं इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस नहीं कर पाया हूँ, मैं सोच रहा हूँ फटाफट इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करूँ, फिर आपको माहौल दिखाऊँ। बाकी यहाँ पर गौ माता भी दो रोडों पर इस तरह से घूमती ही रहती हैं। बाकी इधर भी देख सकते हैं दोस्तों पूरा इधर चारों तरफ झोपड़े वगैरह हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊंचे एरिया में पूरा इधर देखेंगे, ये पूरी कंपनियाँ हैं चारों तरफ से, ये किनारे किनारे। और बाकी सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों इधर पूरी झुग्गियाँ हैं। एक टाइम था दोस्तों मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, ये सामने की तरफ जो आप झुग्गियाँ देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पे रहा हूँ, बहुत ही डेंजर सीन होता था हमारे साथ, कुछ सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं होती इधर के एरिया में। लेकिन फिलहाल दोस्तों लोग रहते हैं क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं, और इस ऐसे एरिया में रहना दोस्तों काफ़ी सस्ता पड़ता है। मुश्किल से इधर जो रूम रेंट वगैरह होगा इधर के आसपास के एरिया में 1000, 1200, 1500 मैक्स टू मैक्स दोस्तों 2000 के रुपए में आपको इधर पूरा रूम मिल जाता है। तो इधर इसे ये हम जैसे गरीब रहना पसंद करते हैं कि ठीक है यार कम पैसे में पूरी सुविधा मिल जाए तो ठीक है, ठीक है सुविधा पूरी नहीं मिलती है,
पानी की दिक्कत तो रहती ही है, बाथरूम की दिक्कत तो रहती ही है, और बारिश हो गया तो फिर घुटने बराबर पानी रहना ही रहना है भाई साहब। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं करीबन यहाँ पे एक बार रहा था बरसात के टाइम में, मतलब एक हफ्ता या 10 दिन था, बारिश के टाइम में भाई साहब जूता हाथ में उठा के जाता था और फिर आगे जूता पहनता था। यहाँ पे कुछ इस चिन्ह हो जाता है, ऐसे देखेंगे पूरा, इसे पूरा एक ढलान है। तो इस तरह से भाई दोस्तों अभी कुछ सीन्स वगैरह है जो मैं भी आपको इस तरह से दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो फाइनली जनाब करीबन एक घंटा पैदल चलने के बाद अभी मैं नाजा सुपारा पहुँच चुका हूँ। नाजा सुपारा पहुँचते ही दोस्तों यहाँ का माहौल आप देखिए, रोडे फिलहाल किस तरह से हैं, टूटी फूटी हुई, घरें वगैरह तोड़ी गई हैं, या बनना होगा या गवर्नमेंट ने तोड़ा होगा, कुछ तो होगा। अभी यहाँ पे कुछ घर वगैरह टूटी हुई, ये पूरा नाजा सुपारा का माहौल है। मतलब मैं वसई से चला था पैदल, अभी मैं नाजा सुपारा में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं, और बाकी यहाँ पे रोडों की हालत देखे भाई, क्या गंदा रोड हुआ पड़ा है, पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पे ऊंची है तो यहाँ पे पूरी टूटी हुई है, और नाला वगैरह दोस्तों फिलहाल यहाँ पे रोडों पे ही बह रहा है। बाकी भाई अभी यहाँ पे पूरा भयंकर वाला सीन है, देख रहे हैं कितना खतरनाक रोड हुआ है। बरसात का भी माहौल नहीं है तो भी नाले में इतना पानी, इधर देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से पूरी दुकान है, इधर पूरा इस तरह से नाला है। ठीक है, लोग यूज करते हैं, खाते हैं, तो हम भी फिलहाल ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो दोस्तों, इधर जलेबी वगैरह बन रहा है, इधर नाला वगैरह है, क्यों ना जलेबी आज ट्राई किया जाए। कौन खाने का? मुझे 10 का देंगे क्या खाने के लिए? तो बाकी ये देख सकते हैं भाई साहब 10 की इतनी सारी जलेबी, ठीक है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। बाकी वड़ा पाव, समोसा पाव और कई भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पूरी दुकान वगैरह है, आगे की तरफ देख सकते हैं पूरा, इधर बस्तियाँ बसी हुई हैं, झुग्गियाँ बसी हुई हैं, और ये पूरा अभी मैं फिलहाल नाजा सुपारा के एरिया में घूम रहा हूँ। ये पूरा नाजा सुपारा के एरिया है? नाजा सुपारा संतोष। अच्छा, नाजा सुपारा संतोष भवन है ना। हाँ, तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं नाजा सुपारा संतोष भवन में अभी इधर ही से होते हुए और मैं चलूँगा अभी स्टेशन की तरफ। तो अभी मैं काफ़ी लंबा यार पैदल चल गया हूँ, तो ऐसा की फूड टूर है, 10 रुपये की जलेबी है। अच्छा, काफ़ी सस्ता मिल जाना खाना पीना यहाँ पे भाई। कितने का ये समोसा पाव आपका? 10 रुपये का। मतलब अभी मुंबई साइड में 15 रुपये से कम का समोसा पाव तो नहीं है मिलता। तो फिलहाल जनाब अभी हमने यहाँ पे जलेबी खाई, वैसे ये यूपी वाले यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तो आपको जलेबियाँ ज़रूर खाने मिल जाएगी। सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों दिल बहार हलवा पराठा है, इस तरह से गटर के जस्ट सामने। उधर देखेंगे तो दाऊद होटल एंड चिकन फ्राई सेंटर है, मस्त दोस्तों, आप चिकन का भी यहाँ पे लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इधर भाई जान यूपी टिक्किया चाट मसाला वगैरह भी बनाते हैं, आप चाहे तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कितने का था सर ये? 15 का। भाई साहब ये एक नंबर का लजीज चीज़ है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल हम भी ट्राई कर जाते हैं। भाई जान एक खिला दीजिए। कितना टाइम लगेगा एक बनाने में? कितना टाइम लगेगा? हाँ तुरंत। क्या तुरंत मिलेगा? तुरंत मिलेगा, तो भाई साहब कह रहे हैं तुरंत मिलेगा। बाकी यहाँ पे यार खाने पीने की ना काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, चारों तरफ देखेंगे बस खाने पीने की आपको यहाँ पे दुकानें दिखाई देगी, और यहाँ पे क्राउड भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भाई साहब बहुत यहाँ पे पब्लिक है ना, भीड़ भाड़ शाम के, पब्लिक बहुत, सब टूट गया इसके लिए पब्लिक कम नहीं। अरे ये घर क्यों तोड़ा गया है पूरा? बुलेट जा रहा है। हाँ, बुलेट ट्रेन जा रहा है इधर से, क्या बात कर रहे हैं, किधर से जाएगा इसे सीधे? यही तो है, हुआ है। ये पूरा रास्ता सीधा इसे, वाह यार कहाँ तक जाएगी ये? मुंबई जाएगी ये भाई साहब, वाह क्या बात है भाई साहब, ये बता रहे बुलेट ट्रेन जाएगी। और ये बाकी ये रोडों पे जो नाला बह रहा है इसका क्या कारण है? इसीलिए तो बह रहा है, बुलेट ने ट्रेन वाला ले लिया ना। अच्छा, महानगर पालिका इसका काम कर नहीं रहा। अच्छा, महानगर पालिका का काम करना छोड़ दिया, अब बुलेट जब बनेगी तब उसी टाइम पे यहाँ पे करेगा। अच्छा, तो अभी दोस्तों यहाँ पे घर वगैरह टूट रहे थे, तो मुझे वही मैं आपसे कह रहा था कि यार क्यों टूट रहे हैं, तो भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ से बुलेट ट्रेन जाएगी, मुंबई जाएगी। वाह क्या बात है, मौका मिलेगा आपको भी जाने को, जाओगे क्या? नहीं भाई साहब से पूछ रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पे टिक्की चाट खा लेते हैं। भाई साहब बना दिए क्या? वाह आपने दिखाया ही नहीं कैसे बनाया। तो फिलहाल दोस्तों वो हमारी टिक्की चाट रेडी हो चुकी है, इतना फास्ट सर्विस है क्या? और इसमें अभी डाल क्या क्या रहे हैं? ये मीठी चटनी है, और वो क्या डाले नीचे? आलू की टिक्की डाले हैं, उसके ऊपर ये मटर डाले हैं, और अभी एक तीखी चटनी है, तीखी और ये मीठी चटनी है। अच्छा खट्टी मीठी है, खट्टी और तीखी है, खट्टी और तीखी बता रहे हैं। और बाकी ये क्या है? ये लाल मिर्च हो गया, ये क्या है? धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, ये चाट मसाला। अच्छा, बाकी वो नमक है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अभी हमारी टिक्की चाट रेडी हो रही है। बाकी यहाँ पे यार मैं हाँ दही डाल दो, वैसे अभी ठंडी का टाइम है कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
तो फाइनली दोस्तों अभी अपनी टिक्की चाट अपने हाथ में आ गई है, और खाते हैं और फिर चलते हैं। ये भाई साहब 15 रुपए का देते हैं, आप अगर कभी नाजा सुपारा में संतोष भवन एरिया में आना तो ट्राई कर सकते हैं। क्या कहते हो छोटू, कैसा टिक्किया बनाते हैं ये? अच्छा बनाते हैं? कभी खाए हो? नहीं खाए हो क्या? तो फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पे ट्राई कर देते हैं। बाकी यहाँ पे रोडों की हालत बहुत ही गंदे हुए पड़े, उसकी वजह यह है कि इधर से मुझे ट्रेन जाने वाली है। मैं तो कुछ और सोच रहा था यार, क्यों नहीं काम हो रहा है यहाँ पे, रोडों पे इस तरह से नाजा भरा है। तो भाई साहब जब बुलेट ट्रेन जाएगी तब तो आपका ये फिर धंधा बंद हो जाएगा इधर से? यहाँ अभी बहुत टाइम है मुझे लग रहा है, अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों, इतना जल्दी तो हमें नहीं लग रहा बनने वाला भी है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ ऐसा। इधर कैसे हो? बढ़िया ना? ओके, टेस्ट बता रहे भाई आपको, ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड, खाया जा सकता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं टिक्की चाट खा लिया भाई, टिक्की चाट काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन इधर रोडों की हालत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है यार। अब ये कब बनेगा कब नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारा गाड़ी वाला पूरा छिटकारा मारते हुए जा रहा है यार, इतना तेज ये जा रहा है कीचड़ में, क्या ज़रूरत इतनी तेज गाड़ियाँ चलाने की। फिलहाल दोस्तों इस तरह से देखेंगे यहाँ पे पूरा चारों तरफ से फूड स्टाल ही स्टाल मिलेंगे भाई साहब इस नाले के अगल बगल। यहाँ पे भी देखिए पानी पूरी वाला, सामने भी पानी पूरी वाला, और सामने की तरफ दोस्तों बच्चे के कुछ खेलने कूदने के ये बने हुए हैं। अभी फिलहाल दोस्तों हम इसी तरह से कचरे में से होते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। ये जनाब अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, और जैसे जैसे शाम होता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों आपको नाजा सुपारा के रोडों पर क्राउड देखने को मिलेगा भाई साहब। काफ़ी यहाँ पे भी पॉपुलेशंस रहती हैं, मोस्टली यूपी बिहार के लोग ज़्यादा इधर के साइड में रहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। बाकी दोस्तों फिलहाल अभी मैं इसी तरह से होते हुए जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने कई चीज़ें ट्राई की, अभी अपना पेट खा पी के दोस्तों पेट हो गया है फुल। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ की गलियों के अंदर में किस तरह से आपको फूड वगैरह देखने को मिलेगा, और वाकई काफ़ी सस्ता होता है। टिक्की चाट 15 रुपए की, 10 रुपए की जलेबी मिल जाती है भाई साहब, और 10 रुपए का पानी पूरी अमूमन मिलता नहीं। बाकी यहाँ पे देखेंगे चाचा जी यहाँ पे जामुन वगैरह भी बेच रहे हैं। नमस्ते अंकल जी, कितने का अंकल जी? 10 का 2। फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पे जामुन भी ट्राई कर लेते हैं, ये 10 रुपए की 2 जामुन बता रहे हैं। और बाकी ये सब कितने कितने का है? ये सब ये कितने का है? ये 20 रुपये का। ये 20 रुपये का है क्या? और बाकी ये क्या है? ये अमावर। अमावर कितने का है? ये 10 रुपये। ये 10 रुपये का। फिर यहाँ जब आप मुझे 2 जामुन दे दीजिए, ये 20 रुपये का 2 है ना, गर्म होगा ना? नहीं अभी तो अभी लगाया जैसे। अच्छा अभी लगा ही रहे क्या? अच्छा अभी जैसे जैसे दोस्तों शाम होता जाएगा उस तरह से दुकान वगैरह जगाते जाएंगे यहाँ पे भैया, तो अभी जस्ट जगा रहे। किस चीज़ का बना हुआ है, क्या जमा क्या क्या है ये? ये वो घी है। घी है क्या? डालडा घी है क्या? अच्छा अच्छा, मिक्स करने वाला अलग से घी है। अच्छा अच्छा, मीठा। हाँ अभी ये कौन सा एरिया है? संतोष भवन। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं संतोष भवन में ही हूँ, और अभी हमें स्टेशन की तरफ चलना है। बाकी देख सकते हैं यार यहाँ पे 10 रुपए का 2 जामुन, इतना सस्ता कैसे बेच देते हैं अंकल? तो कुछ फ़ायदा होता है नहीं, 10 रुपए में 2 बेचते हो जाता है ना बस। ठीक है, कितने तक का बिक जाता होगा तो भी डेली का? 200-300 रुपए का बिक जाता होगा। तो बताइए आप 10 रुपए का 2 जामुन? 200-300 पीस बिक जाता है। ओके ओके, तो फिलहाल दोस्तों जब आप नाजा सुपारा में आइए, चाचा जी यहाँ पे जामुन बेचते हैं, आप ज़रूर खा के ट्राई करके जाइए। बाकी इस तरह से फिलहाल दोस्तों मैं भी ट्राई कर ही देता हूँ जामुन इनकी। जामुन का दोस्तों टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और मज़ा देगा। फिलहाल अभी जस्ट चाचा जी जगा ही रहे हैं और मैं उसी टाइम पहुंच गया, तो अपने को तो ट्राई करना था, अपन ट्राई करिएगा। बाकी किलो के भाव से भी मिल जाता है क्या ये? हाँ, मिलता है। मिलता है क्या? केजी क्या होता है? 180 रुपये। ये सस्ता नहीं बेच रहे हैं क्या? सस्ता ही है ना, ये मैं आपको मतलब कैटरस वगैरह में भोजन करने के बाद खाते हैं ना, काला जामुन इसको बोलते हैं। अच्छा, वो कैटरस वाला ही है ना? हाँ, कैटरस वाला काला जामुन इसको बोलते हैं, काला जामुन बोलते हैं। बाकी दोस्तों यार 10 रुपए की 2 जामुन भाई साहब, और अमूमन मैं 15 या 20 रुपए की 1 जामुन खाया हूँ। हाँ ना, बड़े बड़े आप जाइएगा स्टोर वगैरह में दुकान में, तो वो लोग चार्जेस ज़्यादा पकड़, 15 से 20 रुपए की। बाकी शुक्रिया चाचा, आप इस तरह से बेचते हैं। लेकिन चाचा एक चीज़ और करिए, क्योंकि ये रोड पे है ना, इसको जाली है, हाँ कुछ ढकने का जुगाड़ बनाइए कि इसमें मिट्टी वगैरह ना आए ना, और जो खाएंगे क्योंकि कभी कभी ना थोड़ा सा लगता है किरकिरा टाइप का, आइटम को खाना अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ढक के रखने लगेंगे ना तो और ज़्यादा कस्टमर आएंगे, और अच्छे अच्छे कस्टमर आएंगे। सही बात है ना। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग मेला वाला में स्टोर लगाते हैं ना, हाँ, तरह का जाली वाली का व्यवस्था करके जाते हैं। मतलब हम कह रहे हैं ना शीशे का कुछ ऐसा बनाइए, एकदम से डस्ट जाएगी ना, खाली छोटा सा इसमें ढक्कन टाइप का बनाइए, खोलिए और निकालिए और लोगों को दे दीजिए। इस तरह का ही काम करने वाले हैं,
ऐसे इसमें ये करंग वो करेंगे और इतना ये इधर से ऐसा घुसा देंगे हाँ। और ये केम्बो हो हाँ बस, और शीशा को खाली साफ करते रहिएगा हाँ। दिखने में भी खूबसूरत लगेगा, अंदर चाहे तो लाइट भी लगा सकते हैं हाँ, और खाने में भी मजा आएगा। ये बात तो सही है जी ना, सेल बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगा। अभी बहुत लोग जो थोड़ा सा मतलब होते ना ठीक ठाक घर के होते हैं, यही प्लानिंग करना है क्योंकि इसका इतना डीप देंगे और इधर इधर से ऐसे कांच घुमा देंगे और यहाँ से हाँ। बराबर, क्योंकि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रहता है ना जो खाते हैं। मैं वीडियोस भी बनाता हूँ ना तो जो कमेंट करते हैं कि यार रोड जो स्ट्रीट साइड के लोग होते हैं ना चीज़ तो बहुत अच्छा खिलाते हैं, मतलब उनके चीज़ में कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन नहीं करते। हाइजीन का मतलब यही है, आप देखिए खुला रोड है, यहाँ पे कितनी डस्ट है और डस्ट होने के साथ साथ क्या है कि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो इस पर धूल वगैरह पड़ते हैं ना चाचा। तो ठीक है, चाचा जी से मैंने बात की दोस्तों, थोड़ा सा एक छोटा सा सजेशन दिया, चाचा जी शायद एक्सेप्ट कर रहे ना चाचा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये कह रहे हैं हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी देखिए मैं 10 रुपए में खा रहा था, एक भाई भी खा रहा जामुन। तुम यहाँ बराबर खाते हो या पहली बार खा रहे हो? मैं उनका जब से खाता हूँ। खाते हो ना, कैसा रहता है इनका जामुन? अच्छा रहता है, बाकी मैं देखा जाए ना तो इनका जैसा भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा जामुन रहता है ना। वाह क्या बात है। वैसे मैं भी अभी खाया चाचा, आपकी जामुन में टेस्ट है, बस थोड़ा सा ठंडा है, गरम रहता है ना। गरम रहता तो और मज़ा देता, बस गैस नहीं है क्या अभी? गैस है, चालू की नहीं अभी? यही जमा करके मैं अब भी आया। अच्छा अच्छा, मैं लेट से 10 मिनट पहले ही आया। मैं गया सामान लेने गया ना तो इनका था, तो सामान पैसा मुझे खा लूँगा कुछ। अच्छा अच्छा, इनका मैं जब एकदम दुकान करके लगाते हैं मैं खाता हूँ इनका। ओह वाह क्या बात है। ये छोटू बोल रहा है कि चाचा जी जब भी दुकान लगाते हैं खाता, मतलब अगर 10 का आ जाएंगे 2 मिलेगा, 5 का जाएंगे 1 मिलेगा चाचा। ओके अभी ये छोटू अभी मेरे साथ वहाँ पे खा रहा था। छोटू आप मेरे तरफ से जामुन खा लो, ठीक है? इनके भी 2 जामुन दे दीजिए चाचा। तो फाइनली जनाब अभी अपना जामुन खा के हो गया, आया अभी मैं और भी घूमता नाजा सुपारा के दोस्तों, मैं आपको और भी एरियाज दिखाता, लेकिन अभी धीरे धीरे दोस्तों ना काफ़ी शाम हो चुका है और अभी अंधेरा होने लग गया है। और जैसा कि आपको पता है GoPro ऐसा कैमरा है ना भाई साहब, रात के टाइम ना काम ही नहीं करता सही से। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको यहाँ का बस ऐसे ही छोटा सा एक माहौल दिखाया और छोटा सा एक खाने पीने का टूर किया। आप संतोष भवन का माहौल देख सकते हैं भाई साहब, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है, मर्द से ज़्यादा दोस्तों अभी शाम के टाइम औरतें दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है ये औरतें सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने आई हैं, यहाँ पर बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं दोस्तों जो अभी काम से छुट्टी हुई हैं और चल दी है दोस्तों अपने घर की तरफ। और फिलहाल दोस्तों मैं भी अभी काम से छूटा हूँ, मैं भी आज रेडी जॉब पे ही हूँ और आज जॉब से छूटा था तो फिलहाल मैं अभी मुंबई जा रहा हूँ, कल के दिन फिर से मुझे कुछ वीडियोस वगैरह शूट करने हैं। बाकी ये छोटा सा नाजा सुपारा का मार्केट वगैरह था, नाजा सुपारा के गलियों का फूड टूर वगैरह भी मैंने किया, तो कुछ इस तरह के दोस्तों यहाँ के माहौल थे। बाकी भाई साहब भर भर के यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं, रोडों पर अभी दोस्तों चलने की भी जगह नहीं है, इतना यहाँ पे अभी पूरा भीड़ भाड़ वाली माहौल है, ये देख सकते हैं। अभी इसी तरह से मैं आगे जाऊँगा, आगे हाईवे है, हाईवे से दोस्तों मैं ऑटो पकड़ूँगा और फिर निकल जाऊँगा नाजा सुपारा स्टेशन की तरफ और वहाँ से फिर निकल जाऊँगा दोस्तों मैं मुंबई की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों मुंबई की नाइट लाइफ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे। और हाँ यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।